अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। वक्त के दो किरदार हैं, एक तारीख़ जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं और एक माइथालोजी जिसे हम देवमाला कहते हैं। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो तारीख़ तो जो है वो सबको पता है कि गुज़रे हुए कल का नाम जो है वो तारीख़ है, लेकिन जब हम देवमाला की बात करते हैं तो देवमाला का जो आसान तर्जुमा है वो है अफ़साना। कहते हैं कि अफ़साने और तारीख़ का कोई जोड़ नहीं। ये भी कहा जाता है कि तारीख़ ज़्यादा पुरानी है या अफ़साना ज़्यादा पुराना है, ये अक्सर जो है वो बहस जारी होती है। लोग कहते हैं कि ये अफ़साने तो ख़्याली दुनिया की चीज़ है और तारीख़ जो है वो हमें ज़मीन पर नज़र आती है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम देवमाला को तारीख़ से ख़ारिज कर दें तो तारीख़ जो है वो अधूरी रह जाती है। उसका एक बेसिक रीज़न, जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जब तारीख़ नहीं थी तो देवमाला जो है वो तब भी मौजूद थी। देवमालाई दास्तानें जो है वो उस वक्त भी मौजूद थी। सिर्फ ये नहीं कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े जो है वो देवमालाई अंदाज से जो है वो रखता था या उनमें जो है वो एक अफ़सानवी रंग था, बल्कि अगर हम ये देखें तो इंसान के जो इब्तदाई मज़ाहिब हैं वो उसके रस्में, उसके अक़ीदे, उसके रिवाज और उसके तमाम तर जो है वो सकाफ़त का दारोमदार जो है वो देवमाला पर था। बाबुल के लोग जो है वो आप उनको ले लें, बाबुल में जो है एक देवी की प्रस्तिश की जाती थी जिसका नाम था इश्तार देवी। अब इश्तार देवी के बारे में जो है वो माहरीन और मुहक्किकीन सबको पता है कि इश्तार देवी कौन थी, इश्तार देवी की कैसे पूजा की जाती थी, कैसे उसकी प्रस्तिश की जाती थी। मुमकिन है कि बाबुल की हिस्ट्री के बारे में जो है वो आपको किताबों में उतना सब कुछ न मिले जितना आपको इश्तार देवी के बारे में जो है वो मिल जाएगा। यही सूरत हाल इजिप्शियन मैथालोजी की है। इजिप्शियन मैथालोजी में रा देवता की पूजा होती थी। रा से रामसीस बना, रामसीस से फ़िरौन आया, फ़िरौन के बारे में भी अब तक तहक़ीक़ जारी है, लेकिन तारीख़दान जो है वो किसी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सके कि ये रामसीस जो है वो कौन थे, इनके खानवादे कितने थे। अभी तक उनके खानवादों की जो तहक़ीक़ जो है वो जारी है और मज़ीद खानवादे सामने आ रहे हैं। जो देवमालाएँ जो है वो जिन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया इंसान की ज़िंदगी में, वो ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ मिस्र में थी या जो है वो साबिक मेसोपोटामिया जिसे आजकल इराक़ कहते हैं वहाँ थी, बल्कि ग्रीस मैथोलॉजी का अपना एक जो है वो रोल है इस जो है वो इंसान के कल्चर में, इंसान की ज़िंदगी में। उनके देवताओं जो है वो आज भी जो है वो यूनान के देवता बड़े मशहूर हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हिंदू देवमाला का जिक्र आ जाए, ईरानी देवमाला, ये सारी जो देवमालाई दास्तानें हैं कल के अफ़साने हैं, लेकिन आज की ये तारीख़ है। हिंदुज़म की बुनियाद जो है वो देवमाला पर रखी गई। देवमालाई जो है वो किरदार हैं, इनकी जो त्रिमूर्ति है, जो हिंदू देवताओं की जो एक तकोन बनती है, शिव देवता, विष्णु देवता और ब्रह्मा। ब्रह्मा को जो ये कहते हैं ये कायनात का खालिक है, उसके बाद विष्णु और शिव जो है वो ये बुराई के देवता और अच्छाई के देवता और जो है ना वो इंसान की जबिलत पर जो है वो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं। ये सारी की सारी जो है वो देवमालाई दास्तानें हैं। अच्छा, मैं जो है वो इस बात पर जो है वो भरपूर अंदाज़ का कायल हूँ, पूरी तरह कायल हूँ इस बात पर कि जो है ना वो देवमाला जो है वो तारीख़ में कुछ इस अंदाज़ में शामिल हो गई है कि हम अगर चाहें भी तो इसको अलग नहीं कर सकते। मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, ये इस जगह का नाम है बादलपुर। ये टक्षशिला की उन 18 जो है वो साइट्स पे से एक है जहाँ कभी इंसान बसते थे। आज ये पत्थरों का ढेर है मेरे आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन कभी ये आबाद जगहें थीं या रौनकें हुआ करती थीं। इंसान जो है वो यहाँ उठते बैठते, इबादत करते, खाते पीते, हंसते बोलते सब कुछ करते थे। लेकिन आज ये जो है ना वो पत्थरों के ढेर के अलावा कुछ नहीं रह गया। इन पत्थरों के ढेरों में 500 साल दफन है इंसान के, कोई 1, 2, 4 साल नहीं, 5 सदियाँ दफन हैं इन पत्थरों के ढेरों में। टक्षशिला के बारे में जो है वो तारीख़ कुछ भी कहती रहे। इसका पुराना नाम जो है वो टक्षशिला था और जो है वो कहते हैं कि फ़लाँ ने आबाद किया, फ़लाँ ने आबाद किया, लेकिन इस टक्षशिला का नाम जो आज तारीख़ में ज़िंदा है ये भी देवमाला से शुरू हुआ। टक्षशिला की जो इब्तदा है उसके बारे में जो है वो तारीख़ हमें कुछ बताने से कासिर है, लेकिन जो देवमालाई दास्तान है उसके मुताबिक जो है वो शिव देवता के 7वें अवतार थे रामचंद्र जी। पिछली बार जो है वो हमने कटास राज के जो है वो व्लॉग में हमने रामचंद्र का जो है वो आपको मंदिर भी दिखाया था और ये भी बताया था कि उनके उसके दो बेटे थे, एक का नाम लोह था, एक का नाम कुसो था। लोह के नाम पर लाहौर शहर आबाद हुआ और कुसो के नाम पर जो है वो कसूर शहर आबाद हुआ। इसी रामचंद्र का जो है वो एक भाई था जिसका नाम था भारत। भारत का एक बेटा था जिसका नाम टक्षा था। और ये कहा जाता है कि ये जो टक्षशिला की जो जगह है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये टक्षशिला जो है वो रामचंद्र के भाई भारत ने आबाद किया था और उसने अपने बेटे के नाम पर जो टक्स का जो नाम मैंने आपको बताया टक्षशिला इसका जो है वो नाम रखा गया और ये टक्षशिला आबाद हुआ। यानी जो है वो तारीख़ जो है वो देवमाला के वजूद से शुरू में शायद इनकार करती हो लेकिन अब इनकार नहीं करती। देवमालाई किरदार जो है अब तारीख़ का हिस्सा हैं। यूनान की जुपिटर जो है ना वो देवता, उसकी जो है वो टक्षशिला के दूसरे खंडरात में उसके मुजस्मे भी मौजूद हैं और जो है ना वो आपने जो है ना वो और भी बहुत कुछ देखा होगा। यूनानी देवमाला की कहानी, एफ्रोडाइट जो है वो देवी थी, हुस्न की देवी, इस तरह की और बहुत सारी जो है वो कम से कम 12 देवी देवताएं जो है वो यूनानी मैथोलॉजी की जो है वो अब जो है वो तारीख़ का हिस्सा हैं। हम उनको तारीख से निकाल नहीं सकते। अच्छा, ये जो टक्षशिला का इलाका हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है वो यहाँ 3 शहर और 18 साइट्स हैं। सबसे पहला शहर जो है वो भेरमाउंड, जो अभी तक जो है वो उसकी खुदाई नहीं हो सकी, वो अब तक जो है वो पहाड़ी टीले के नीचे जो है वो दफन है। दूसरा शहर जो है वो सरकप था, इसका भी हम आपको जो है ना व्लॉग बनाकर जो है वो दिखा चुके हैं। 3 दफ़ा ये शहर आबाद हुआ और 3 दफ़ा ये शहर जो है वो उजड़ा। तो और इसका जो आखिरी शहर था वो था सरसुख। सरसुख जो है वो कनिष्क दौर में जो है वो ये कुशान बादशाह था। कनिष्क जो है 127 से 150 ईस्वी तक ये बरसर इक़्तिदार रहा और जो है वो उसने इस इलाके को बहुत तरक्की दी। सरसुख जो है वो उसके दौर में आबाद हुआ। 80 ईस्वी जो है वो कहते हैं जी सरसुख उसमें आबाद हुआ और फिर 500 ईस्वी में जो है वो हुन आ गए, सफ़ेद हुन, और उन्होंने इस पूरी वादी को जो है वो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया और ये इसे पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया। उसके बाद से टक्षशिला जो है वो कभी आबाद नहीं हो सका। यानी 500 साल की कहानी जो है वो इन पत्थरों में दफन है। ये भी मैं जो है ना वो आपको बता दूँ कि इन 500 सालों में जो है वो टक्षशिला जो है वो कई ख़ानदानों के ज़ेर-ए-नगी रहा। पहले हखामंशी ख़ानदान था, ये ईरान से ताल्लुक़ रखता था और ईरान का ये सूबा था, ये हखामंशी ख़ानदान के पास रहा। उसके बाद फिर ये यूनानियों के पास आया, फिर म्यूरियन के पास चला गया, फिर इंडो ग्रीक के पास चला गया। उसके बाद जो है ये कुशान सल्तनत का हिस्सा बना और जो है वो ये टक्षशिला जो है वो फलता फूलता रहा। मेन शाही सड़क के किनारे ये आबाद था। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो है वो यहाँ आया और बहुत सारे लोग जो है वो चंद्र गुप्त मौर्य वो इस पाए के लोग जो है वो टक्षशिला में रह कर गए। उन्होंने टक्षशिला में तालीम हासिल की, टक्षशिला पर हुकूमत की और लेकिन फिर जब 500 ईस्वी में ये शहर उजड़ा तो उसके बाद ये आबाद नहीं हुआ। मैंने ये भी आपको बताया कि ये जो है वो 18 साइट्स हैं, 18 मुख्तलिफ जगह हैं। आपको इसी तरह के टीले नज़र आएंगे, इसी तरह के जो है वो पत्थरों से आप जो है वो बने हुए शहर और गलियाँ और बाजार नज़र आएंगी लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। तो ये 500 साल की तारीख़ है जो है ज़ाहिर है चंद मिनट में बयान नहीं की जा सकती। ये जो है वो बादलपुर, जैसा कि मैंने आपको जो है वो साइट का बताया, यहाँ 2 मॉन्स्ट्रीज़ हैं और एक जो है वो स्टूपा है। जो टक्षशिला रीजन के जो स्टूपास हैं उनमें बड़े स्टूपास में से एक है। हम आपको दिखाते हैं वो स्टूपा भी, वो मॉन्स्ट्रीज़ भी दिखाते हैं और जो है ना वो बताते हैं आपको कि जो है ना वो किस जो है वो पाए के लोग यहाँ रह कर गए और यहाँ तालीम हासिल करके गए। आइए आपको इस स्तूपा का जो है वो एक विज़िट कराते हैं। ये आपको सामने जो पत्थरों का ढेर नज़र आ रहा है, ये आज पत्थरों का ढेर है लेकिन अगर आज से आप जो है वो 1600 या 1700 साल पीछे चले जाएँ तो ये जो है वो बुद्ध मत का एक बहुत बड़ी इबादतगाह थी। इस जगह का नाम है बादलपुर और इसकी सही जो है वो कंस्ट्रक्शन की डेट जो है वो पता नहीं चल सकी कि ये कब जो है वो तामीर हुआ, लेकिन एक अंदाज़ा जो लगाया गया है वो ये है कि ये 2री सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान जो है वो किसी वक्त तामीर हुआ और कुशान दौरे हुकूमत के दौरान जो है वो इसे तामीर किया गया था। इसकी जो ये चकोर था, बल्कि अगर कहेंगे मुस्ततील शक्ल का था तो ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसकी जो लंबाई थी बेस में वो थी 80 फुट और इसकी जो चौड़ाई थी यानी जो चबूतरा बनाया गया था उसकी जो लंबाई थी वो 80 फुट थी और जो इसकी जो है चौड़ाई थी वो थी 75 फुट और ये 70 फुट ऊंचा था। और जो माहरीन ने इसके बारे में जो अंदाज़ा लगाया है वो ये कि ये जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी अजीमुज्जुस्सा किस्म की छतरी भी लगाई गई थी, यानी इस स्तूपा के ऊपर जो है वो छतरी लगी हुई थी और बुद्ध मत जो है वो उसके जो टक्षशिला में जो बुद्ध मत की बाक़ियात हैं या टक्षशिला में जो है वो खंडरात हैं बुद्ध मत के, ये उनके बड़े स्तूपाज में से एक स्तूपा था। यानी एक स्तूपा हमने आपको दिखाया था धर्मराजिका में, जूलिया में स्तूपा हैं और एक स्तूपा हमने दिखाया था भामाला का स्तूपा आपको। ये बड़े स्तूपा थे और ये जो स्तूपा अभी आप जो है वो देख रहे हैं ये इन बड़े स्तूपाज में से एक स्तूपा था। बुद्ध मत जो है वो अपने दौर का बड़ा एक अजीम जो है वो मज़हब रहा है और लोगों ने जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो बुद्ध मत में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त भी जो है वो दुनिया का जो है वो 5वां बड़ा मज़हब है। ये जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ ये यहाँ यूँ कह लें कि 500 साल की तारीख़ जो है वो दफन है। गंधारा का इलाका जिसे जो है वो बाद औक़ात जो है वो अजीम गंधारा भी कहा जाता है, इस पर जो है वो कई ख़ानदानों ने हुकूमत की, कई ख़ानदानों के ये ज़ेर नगीं रहा। मजमूई तौर पर जो है वो जिन ख़ानदानों ने इस पर हुकूमत की वो 9 ख़ानवादे हैं जो इस पर बरसे इक़्तिदार रहे इस इलाके पर। सबसे पहला जो नाम आता है वो ईरान के हखामंशी ख़ानदानों को आता है। हखामंशी ख़ानदान ईरान में बरसरे इक़्तिदार था और ये जो टक्षशिला का जो इलाका है या जो मौजूदा पंजाब का जो इलाका है ये जो है वो इसका सूबा हुआ करता था। हखामंशी ख़ानदान ने 600 क़ब्ल मसीह से 400 क़ब्ल मसीह तक जो है वो यहाँ हुकूमत की और यूनानी उसके बाद आए 326 क़ब्ल मसीह। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो है वो इंडिया फ़तह करने आया, यूनान की रियासत मैसिडोनिया से चला और उसके बाद जो है वो उसने पूरी दुनिया फ़तह की और 326 से 324 क़ब्ल मसीह तक जो है वो इस इलाके में यूनानियों की अमलदारी रही। उसके बाद जो है म्यूरियन आए 324 क़ब्ल मसीह से 185 क़ब्ल मसीह तक उन्होंने हुकूमत की और उसके बाद जो है वो इंडो ग्रीक अहद शुरू हुआ जो 250 क़ब्ल मसीह से 190 क़ब्ल मसीह तक जारी रहा। फिर सीथियन आ गए, ये सीथियन जो है पहली क़ब्ल मसीह से सदी क़ब्ल मसीह से 2री सदी क़ब्ल मसीह तक यहाँ के हुक्मरान रहे। और फिर जो है वो नंबर आया पार्थियन का, ये पहली सदी क़ब्ल मसीह से पहली सदी ईस्वी तक। और उसके बाद फिर कुशान आ गए। कुशान जो दौरे हुकूमत था वो बुद्ध मत का एक अजीम दौर कहलाता है। कुशानों ने जो हुकूमत की इस इलाके पर वो की 1वीं से 5वीं सदी ईस्वी और टक्षशिला को जो उरूज हासिल हुआ वो यही दौर था, 1वीं सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी तक का जो पीरियड था उसमें जो है वो कुशान जो है वो यहाँ के हुक्मरान थे। फिर जो है वो वाइट हुन आए 5वीं सदी ईस्वी में और टक्षशिला का शहर जो सरसुख जो है वो जो तीसरा शहर था वो उन्हीं का तो तबाह हुआ। मैं आपको पहले बता रहा था कि जो है वो जब जो है वो हखामंशी ख़ानदान तो इसका पहला हुक्मरान था जिन्होंने जो है वो इस इलाके पर हुकूमत की, लेकिन उसके बाद जो है वो आने वालों ने जो सबसे आखिरी ख़ानदान था वो हिंदूशाही ख़ानदान था, लेकिन उस हिंदूशाही ख़ानदान ने जो है बुद्ध मत की तरवीज के लिए कुछ नहीं किया और जो है वो इसको जो है वो बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो टक्षशिला का वो शहर जो मतलब 5 सदियों पर मुहित रहा वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म होता चला गया। इसके 2 मॉन्स्ट्री एरियाज़ हैं। आइए जो है वो जो इसका बड़ा मॉन्स्ट्री एरिया है मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। ये जी मेन स्तूपा और ये जो है वो दूसरे मॉन्स्ट्री एरिया का जो है वो रास्ता, ये जनाब दूसरे मॉन्स्ट्री एरिया का रास्ता है। ये हम जो है ना वो जा रहे हैं उस मॉन्स्ट्री एरिया की तरफ जो बड़ा जो है वो बड़ी खानका जिसे आप कह सकते हैं। मैंने बताया ना, दो मॉन्स्ट्री एरियाज़ जो है वो यहाँ से बरामद हुए खुदाई के दरमियान और खुदाई के दौरान। सर जॉन मार्शल ने जो है 1839 में यहाँ की खुदाई की और उसके बाद इसे जो है वो खुदाई का जो है वो बंद कर दिया गया सिलसिला। 2005 में कायद आज़म यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब ने अपनी निगरानी में जो है वो इसकी खुदाई शुरू करवाई और एक बार फिर जो है वो ये खुदाई अधूरी रह गई। और अब ऐसा महसूस होता है जो साइट की जो सूरत हाल है, जो जगह की सूरत हाल है, उसे देखकर ये महसूस होता है कि शायद मज़ीद खुदाई जो है वो इसकी नहीं होने जा रही। 2015 में जब इन लोगों ने खुदाई की थी, सॉरी 2005 में जब इन लोगों ने खुदाई की थी, तो यहाँ से जो है ना वो बुद्ध मत की बहुत सी बाक़ियात जो है वो बरामद हुई थी। उन बाक़ियात में जो है वो कुछ सिक्के थे, मर्तबान थे, जार थे और जो है वो कुछ चाबियाँ थीं। कुछ कहते हैं कि एक से ज़्यादा चाबियाँ थीं, लेकिन जो है ना वो बात कहते हैं जी कि एक चाबी थी जो 7 सेंटीमीटर जो है वो लंबी थी। और वो 7 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। वो तकरीबन जो है वो 3 इंच के करीब लंबी चाबी थी, लोहे की चाबी थी। और जो है वो अंदाज़ा लगाया गया कि ये 3री सदी ईस्वी के दौर की जो है वो चाबी है। और इसी तरह जो है वो ये देखें जी, ये मॉन्स्ट्री में, ये खानकाहों में, खानका एरिया जो है इसमें कमरे बने हुए हैं। यकीनन यहाँ जो है ना वो बुद्ध मॉन्क जो है, मॉन्क, वो किसी ज़माने में रहते होंगे। और लेकिन अब तो ये सारा कुछ वीरान है, कुछ नहीं है, खामोश पत्थर हैं। जी मैं नीचे आ गया हूँ मॉन्स्ट्री एरिया में और ये पत्थरों से जो बने हुए कमरे थे वो उनका एक नज़ारा है। ये किसी ज़माने में मॉन्स्ट्री का जो है वो मेन कॉरिडोर रहा होगा। अब तो यहाँ झाड़ झंकार और पत्थर और पता नहीं क्या क्या है। ये साइड पर कमरे बने हुए हैं सारे। ये देखें जी, कभी ये रास्ते कितने साफ़ सुथरे होंगे, लेकिन अब तो इन रास्तों से जो है ना वो पत्थर हटाने वाला कोई भी नहीं बाकी बचा। आइए इसके मरकज़ी हिस्से में चलते हैं। ये जनाब शायद सहन रहा हो, देखने के लिए सिर्फ पत्थर हैं। फिर मुझे यहाँ भी बात याद आ गई, जिस तरह हम धर्माराजी का जो है वो ब्लॉग कर रहे थे, तो शाह सैयद शाज गिलानी पागरोवर वाले, उसने एक बात कही थी कि अगर इन पत्थरों की ज़बान होती तो ये पत्थर जो है वो अपनी कहानियाँ ख़ुद हमें सुनाते हैं। ये खानका का दूसरा हिस्सा, ये एक छोटा सा तालाब दरमियान में बना हुआ है, ये सहन है। और ये सामने अमीन राजपूत साहब अपना ब्लॉग कर रहे हैं। हम हमेशा की तरह साथ आए हैं ब्लॉग करने के लिए। ये बुद्ध मॉन्क्स के रहने के लिए छोटी छोटी रिहाइशगाह हैं। उस ज़माने में ज़ाहिर है ये बड़े पुरताइश कमरे होते रहे होंगे, लेकिन अब ये वीरान पड़े हैं। ज़ाहिर है मौसमी असरात से बचाव का भी जो है वो कोई ना कोई इंतज़ाम यकीनी तौर पर यहाँ होगा, लेकिन अब यहाँ बारिश भी बरसती है, गर्मी भी बढ़ती है, तूफ़ान भी आते हैं, लेकिन जो है वो इन तूफ़ानों को रोकने वाला, इन बारिशों से बचाने वाला अब कोई बाकी यहाँ नहीं रह गया। ये जी आप देखिए कितनी मोटी दीवारें हैं इनकी। और कहते हैं कि ये दीवारें जो है वो गर्मियों में जो है वो ठंडक पहुंचाती थी और सर्दियों में ये छोटे छोटे जो कमरे हैं ये अंदर से गर्म रहते थे। कि ये पानी का तालाब है। हो सकता है इसमें मॉन्क्स जो है वो नहाते हों, लेकिन 2005 में जब खुदाई की गई यहाँ की, तो यहाँ से एक वाटर कंडेंसर जो है वो भी बरामद हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि उस ज़माने के लोग, यानी अगर हम रफली ज़िक्र करें तो 1700 साल पहले के लोग भी जो है वो पानी को प्यूरीफाई करके या साफ़ करके जो है वो पीते थे और इस बात से वाकिफ़ थे। कहा जाता है कि वो टक्षशिला म्यूज़ियम में जो है वो वाटर कंडेंसर मौजूद है, तो किसी मौके पर इंशाल्लाह ताला उस वाटर कंडेंसर को भी शूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने दौर की जो है वो तरक्की याफ्ता कौम थी, जिन्हें जो है वो हम टक्षशिला के बाशिंदे कहते हैं। पत्थरों के ढेर और ख़ामोशी, लेकिन हमें जो है वो तारीख़ का शौक़ जो है वो यहाँ खींच लाया है। मुझे मुसफ़ा ज़दी का एक शेर याद आ रहा है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो हम किसी के घर तो नहीं जा रहे, लेकिन तारीख़ खोजने हम निकले हैं। तो तारीख़ का रास्ता जो है वो पत्थरों से अटा हुआ रास्ता है, इसके रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो अगर आपने भी तारीख़ खोजनी है तो आपको भी जो है वो किसी न किसी तरह इन पत्थरों पर जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। हम मॉन्स्ट्री से निकल आए हैं और फिर वही पथरीले रास्ते, पत्थर, खामोश पत्थर हमें देखते हुए, और हम वापस जा रहे हैं स्टूपा की तरफ। और स्टूपा के साथ, यानी मेरे बाएं हाथ को छोटी मॉन्स्ट्री है वो आपको दिखाते हैं, छोटी खानका। ये बड़ी खानका मैंने आपको दिखाई, ये सामने वही स्तूपा नज़र आ गया आपको, टक्षशिला के बड़े स्तूपा में से एक स्तूपा। ये जिस सड़क के किनारे हमारी सिसकती दम तोड़ती तारीख, हाँ, ये पत्थरों से अटे हुए ऊंचे नीचे रास्ते और तारीख की कहानियाँ। आपको शायद कुछ लोगों को इसमें दिलचस्पी ना हो, लेकिन जो लोग तारीख देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो इन पत्थरों से बहुत कुछ खुद ही अक्स कर लेते हैं। ये छोटी मॉन्स्ट्री जिसका मैंने आपको बताया, बड़ी मॉन्स्ट्री मैंने आपको दिखाई, ये छोटी खानका है। यकीनन जिन मिट्टी के ढेरों पर मैं खड़ा हूँ, इसके नीचे कुछ और तामीरात भी होंगी। जब कभी खुदाई होगी तो पता चलेगा कि इसके नीचे जो है वो इंसानी ज़िंदगी की कौन कौन सी कहानियाँ दफन हैं। हाँ। जी, ये वो पत्थरों की दास्तान है, पत्थरों की कहानियाँ हैं, पत्थरों की इमारतें हैं जो आपने देखी। अच्छा, इसमें जो है वो एक तकलीफ दे बात जो है वो ये है कि 1980 में यूनेस्को ने ये टक्षशिला की जो 18 साइट्स हैं और जो 3 शहर हैं, इन्हें जो है वो आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा बनाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो है वो आलमी पैमाने पर तो सकाफ़त का हिस्सा बन गया, लेकिन हमारी हुकूमत और हम इसे सकाफ़त का हिस्सा नहीं बना सके। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये इसके इर्द गिर्द जो है वो माल्टे के खेत हैं, माल्टों के बागात हैं और खेत हैं। और इन खेतों में जो है वो दाएं बाएं के जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं यहाँ के, जो गांव देहात हैं, उनके मवेशी जो है वो चरते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम तारीख़ बनाने के बजाय अपनी तारीख जो है वो मवेशियों के हवाले कर रहे हैं, ताकि वो इसे खाकर जो है वो जितनी बच गई है इसे भी ख़त्म कर दें। मेरा ख़्याल है कि जो है ना वो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।